सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 यूपी बोर्ड को चेक करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो पूरे पेपर के हल को हम लोग समझेंगे। इंग्लिश क्लास 11th एन सी आर टी बेस्ट का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इंग्लिश क्लास 11th के प्रोज पोइट्री और स्नैपशॉट के क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे। तो देखें, यह पेपर 3 घंटे का है और पूरा पूर्णांक जो है 100 मार्क का है, और यहाँ पर नोट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। पूरा जो पेपर आपका है ये 4 सेक्शन में बटा है, सेक्शन ए, बी, सी और डी, और प्रत्येक सेक्शन करने अनिवार्य हैं। देखें, सेक्शन ए जो है आपका रीडिंग स्किल, जो कि 12 नंबर का है। अब कोई आपको अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना होगा जो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा हो नीचे। तो पहला क्वेश्चन आपका अनसीन पैसेज होगा जो कि 12 नंबर का रहेगा, और पूरे क्वेश्चन जो भी पूछेगा इसी पैसेज से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है, पूरे पैसेज को आप केयरफुली पढ़ लेंगे। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। तो कुछ लोगों का मानना है कि जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त कराना है, ज्ञान देना है। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट एड टू देयर नॉलेज। तो ये लोग जो है, इन लोगों का मानना है कि ये जो शिक्षा है छात्रों को ज्ञान देता है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज नॉट एनफ, ओनली दैट विच एनेबल अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। अन्य लोगों का मानना है कि यह जो शिक्षा है यह जीविकोपार्जन का माध्यम है, इससे आदमी अपनी जीविकोपार्जन के योग्य हो जाता है। इस तरह से पूरा पैसेज पढ़ लेंगे। अदर बिलीव एजुकेशन शुड एम स्लोली मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट्स। अन्य लोगों का मानना है कि ये जो शिक्षा है ये अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्तों का निर्माण करती है, इसके तमाम उद्देश्य दिए गए हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट डिड सम पीपल थिंक, तो इसका आंसर इसी पैसेज में दिया जाएगा। देखिए, सम पीपल थॉट दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा जो है उसका जो उद्देश्य है वो ज्ञान प्राप्त कराना है, तो इसका आंसर होगा सम पीपल थॉट दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, माने शिक्षा का जो उद्देश्य है, पूरा लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान तो प्राप्त कराना ही है, साथ ही साथ अर्निंग भी होनी चाहिए जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक मैन नॉलेज एंड कैपेबल ऑफ अर्निंग हिज लिविंग, और उसके जीविकोपार्जन योग्य भी समर्थ करना है, बनाना है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, माने और अन्य चीज़ों की अपेक्षाकृत क्या इम्पॉर्टेंट है। तो जब पैसेज पढ़ेंगे तो इसमें इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि ब्रेड, ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर। यहाँ पर देखिए, ब्रेड का मतलब यहाँ जीविकोपार्जन से है कि हमें अन्य चीज़ों की अपेक्षा जीविकोपार्जन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पैसे से मिल जाते हैं और इसका आंसर आप देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है इसी पैसे से, राइट द एंटोनिम ऑफ द पैट्रियट्स इन दिस पैरा। तो इस पैराग्राफ में जो पैट्रियट्स शब्द है उसका एंटोनिम यानी विलोम शब्द लिखना है। तो पैट्रियट्स देशभक्त तो होता है, इसका विलोम शब्द आप लिख देंगे ट्रेटर, ट्रेटर टी आर ए आई टी ओ आर, ट्रेटर माने होता है देशद्रोही। ई वाला देखिए दिया है कि राइट द साइनोनिम ऑफ द पर्पज इन द लास्ट पैरा। अब इस पैराग्राफ में पर्पज भी दिया है, पर्पज, अब इसका साइनोनिम यानी पर्यावाची शब्द पूछ रहा है। तो पर्पज माने लक्ष्य होता है, एम लिख देंगे, गोल लिख देंगे, इसका मेन साइनोनिम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें, यहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, यह भी अनसीन पैसेज ही रहेगा। अब इस पैसेज को पढ़ करके हमें प्रश्नों का जवाब देना है। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये जो है 20 नंबर के दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा आपका पैसेज है। अब इस पैसेज को हम केयरफुली पढ़ लेते हैं
और इसके बाद देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि ए वाला ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द एबव पैसेज मेक नोट ऑन इट्स यूजिंग सुटेबल हेडिंग एंड सब हेडिंग। यहाँ पर आपको नोट मेकिंग टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं। यहाँ पर नोट मेकिंग कैसे बनता है, उसमें से हम ये जो पूरा पैसेज है पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पैसेज का मेन शीर्षक क्या है, मेन हेडिंग क्या है, सुटेबल हेडिंग देना है और उसको सब हेडिंग, सब हेडिंग का मतलब छोटे छोटे अन्य शीर्षकों में इसको बांट करके उसमें लिखना पड़ेगा। अब जो मेन हेडिंग है ये कैसे पता चलेगा, जब हम पढ़ेंगे पैसेज को, जैसे यहाँ पर दिया है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर इज टू सप्लाई अस विथ ऑल सॉर्ट ऑफ न्यूज लोकल एंड फॉरेन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है उस समाचार पत्र के बारे में बताया जा रहा है कि जो समाचार होता है वह हमारे लोकल क्षेत्रों से चाहे विदेशी क्षेत्रों से चारों तरफ से हमें तमाम प्रकार के खबरों को देता है, खबरों की आपूर्ति करता है। इट गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज गोइंग इन आवर ओन कंट्री एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यह क्या करता है कि तमाम भागों से, हमारे देश से चाहे देश विदेश से अन्य भागों से, ये हमारे लिए ज्ञान, हमारे लिए सूचना देता रहता है। बट फॉर इट वी शुड हैव रिमेन इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हमें तमाम खबरें न मिले दुनिया भर का तो हम अज्ञान के अज्ञान ही बने रहेंगे, इग्नोरेंस रहेंगे। तो ये पैसेज केयरफुली जो भी पैसेज रहेगा पढ़ लेना है। अब यहाँ से आपको पूछ रहा है कि नोट मेकिंग यानी मेक नोटिंग बनाना है, कैसे बनेगा। पहले आप हेडिंग देंगे, ये किस पर आधारित है, उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल में आप पढ़ेंगे पैसेज को, इसके बाद बताएंगे जैसे ये पैसेज दिया गया है तो इसका मेन हेडिंग देंगे क्या होगा, द फंक्शन नोट मेक। यह जो पूरा पैराग्राफ है ये न्यूज पर आधारित है, तो फंक्शन ऑफ न्यूज पेपर माने न्यूज़पेपर के कार्य, पूरे पैसेज कोई ना कोई पैसेज होता है जो कि आपको बताएगा कि किस पर आधारित है। अब इसमें जो आगे पूछ रहा है कि आप तो सुटेबल हेडिंग माने मेन हेडिंग तो दे लेंगे, न्यूज़पेपर फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर सूचनाओं का आदान प्रदान कराता है, तो इट इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इट्स पीपुल। माने यह किसी देश की जो सरकार है और लोगों के बीच क्या होता है, सूचना का माध्यम है, सूचना का आदान प्रदान करता है। ये आपका पहला क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा जहाँ से आप सुटेबल हेडिंग और सब हेडिंग देख करके लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट अ समरी ऑफ द एबोव पैसेज इन 80 वर्ड्स। अब पूरे पैसेज को हम पढ़ेंगे और इसी पर आधारित अपने विचार को यहाँ पर लिख देंगे, इसी पर आधारित। जैसे पूरा पैसेज जो दिया गया है न्यूज पर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द न्यूज़ पेपर प्लेज अ वेरी पावरफुल रोल इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। माने न्यूज़ पेपर जो होता है ये हमारे जीवन में तथा हमारे इस संसार में एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाता है। विदाउट इट पीपुल कैन रिमेन इग्नोरेंस, इसके अभाव में लोग तो अज्ञानी ही बने रहेंगे। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हर भागों से हमें न्यूज को देता है इस तरह से। और इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपुल, लोग और सरकार के बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम भी है। तो ये हमें समरी में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो देखें यहाँ से शुरू होता है कि राइट एन आर्टिकल ऑब्लिक एसे, एसे के बारे में पूछा है जो कि 100 शब्दों में देना है। आपको तीन दिया रहेगा, तीन में से कोई एक सेलेक्ट करना है, या कोई आर्टिकल दे देगा और उस पर कुछ संकेत या निर्देश देंगे, उसको हमें अपने से बड़ा करना है, अपने से सोच सोच करके शब्दों में। तो ए ऐसे आपको कंप्लीट करना है। पहला यहाँ पर देखें योर फेवराइट गेम दिया है, हेल्थ इज द वेल्थ दिया है, न्यूज़पेपर, इस तरह के आपको ऐसे और आर्टिकल को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द ब्लॉकिंग ऑफ अ डर्टी वाटर एंड डेंजर ऑफ द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। ये पूछ रहा है, लेटर दो है, ऑप्शनल है, कोई आप सेलेक्ट करते हैं पाँच नंबर का। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर के एडिटर को, प्रकाशक को आपको लेटर लिखना है कि हमारी जो बात है उसको अथॉरिटीज माने अधिकारियों तक पहुँचाए, ताकि हमारे लोकालिटी में, एरिया में जो नालियाँ हैं बड़ी ही बदतर हैं, वो ब्लॉक हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं और उसमें मॉस्किटो भी पनप रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है जो कि कई बार यूपी बोर्ड में और 11वीं कक्षा में भी आया हुआ है। आबलिक ऑप्शनल नीचे वाला, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एक्सप्लेनिंग हिम टू इम्पोर्टेंस ऑफ डिवेशन इन स्टडीज। तो आप अपने छोटे भाई को पत्र लिखेंगे कि वह पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई के महत्व को कैसे समझे और कैसे समर्पित रहे, क्योंकि वह अपने पथ से पथभ्रमित हो चुका है पढ़ाई से। तो यह दोनों लेटर यंगर ब्रदर के लिए और ये एडिटर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाएंगे आपको वहाँ पर ये दोनों
लेटर हमने बता रखा है, मिल जाएगा। अब देखिए सेक्शन सी शुरू होता है ग्रामर, ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। और पहला देखें पचमा का ए दिया है, चेंज एनी वन इन टू द इनडायरेक्ट स्पीच। दो नंबर का दिया है, देखिए दिया है कि बिहारी सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस दिया है इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसको आप लोगों को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में जो भी वाक्य लेटस से शुरू होते हैं वहाँ पर हम लोग कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट दे शुड लगाते हैं। लेटस को हटा करके इसके स्थान पर दैट दे शुड लगाएंगे और सेड टू को हटा करके प्रपोज्ड कर दिया जाता है, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, बिहारी प्रपोज्ड हिज फ्रेंड दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक हो जाएगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन देखें दिया है कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो ईगर टू गो टू पिक्चर टूडे। अब यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सेड टू को हटा करके आस्क्ड कर दिया जाता है, क्या हो जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी। और जो कंजक्शन है यहाँ पर वाई से ही काम चलाएंगे, जो एक क्वेश्चन मार्क दिया है इन्हीं से व्हाट हाउ वेयर रहेंगे, इन्हीं कंजक्शनों को हम प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी वाई। अब यू सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पर मी के अनुसार आई कर देंगे, वाई आई वॉज सो ईगर टू गो टू पिक्चर दैट डे। चेंज हो जाता है जो टेंस होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट में बदल देंगे। अब ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो बी वाला दिया है पचवा का बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। यहाँ से क्या करना है, सिंथिसिस करना है। सिंथिसिस में पहला देखे क्या दिया हुआ है, एक ही सेलेक्ट करना है, दो ऑप्शनल है, दो दिया है, दो में से कोई एक कर सकते हैं। तो देखे दिया है कि आई सा अ मैन ही वॉज स्मोकिंग सिगरेट। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में व्यक्त करना है, तो मैंने आदमी को देखा, जिस आदमी को देखा वह आदमी जो है धूम्रपान कर रहा था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में हम लोग जिस एडजेक्टिव का, जिस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे वह होता हाउ हूँ व्हाट, इस तरह के शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जिस आदमी को हम लोगों ने देखा वह स्मोकिंग कर रहा था, तो कॉम्प्लेक्स में यहाँ बीच में हु लगा देंगे, ऐसा अ मैन हु वाज स्मोकिंग सिगरेट, यहाँ से ही केवल काटेंगे और हु जोड़ देंगे। दूसरा देखे, ए मैन इज गोइंग टू द स्टेशन ही इज लेम। जो आदमी स्टेशन पर जा रहा था वह अंधा है। यहाँ पर जो वाक्य दिया है कि स्टेशन पर जा रहा था एक आदमी और वह आदमी लेम था, लेम माने होता है विकलांग, अंधा नहीं विकलांग, अपंग, ब्लाइंड माने अंधा होता है। तो दोनों को वाक्यों को जोड़ेंगे, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में बनाना है, तो सिंपल में इस लेम को क्या करेंगे, हम एडजेक्टिव की भांति यहाँ पर पहले लगा देंगे। तो इस यहाँ पर मैन के पहले ही लगा देंगे, नाउन से पहले यूज कर लिया जाता है ऐसे जो शब्द होते हैं। तो ए लेम मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सी वाला देखें, ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद ब्रैकेट्स टू मार्क का है। यहाँ पर पहला दिया है कि द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथिम, बच्चों ने राष्ट्रीय गान को गाया। तो पैसिव वॉइस में आप इसको रिपीट कर लें, हमारे चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ग्रामर वाले सेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, द नेशनल एंथिम वाज संग बाई द चिल्ड्रेन। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग कर लिया जाता है, चूँकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए वाज लगा देंगे, करेक्ट। अब दूसरा वाक्य देखें, रवि इज टू पुअर टू पे हिज फी। यहाँ पर टू को हटा करके इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपी बोर्ड में ही ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर टू को हटाना है, टू के बदले में हम लोग सो का प्रयोग करते हैं, या सो लगाने के बाद यह जो एडजेक्टिव शब्द पुअर है उसको जोड़ देंगे, फिर दैट लगा देते हैं, दैट ही कैन नॉट या ही कुड नॉट। यदि इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो कैन नॉट लगाएंगे, यदि पास्ट होता तो कुड नॉट लगा देते। तो क्या हो जाएगा, रवि इज टू पुअर टू पे हिज फी, इसका क्या आंसर होगा, रवि इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, अपने फी को नहीं दे सकता, इतना पुअर है, गरीब है। तो ग्रामर के क्वेश्चन को हमने अपने चैनल पर सॉल्व करवाया है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब डी वाला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ से अब कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं, यहाँ पर कुछ त्रुटियाँ होती हैं उनको शुद्ध करना होता है। यहाँ पर त्रुटियाँ आपके नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब तमाम
पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित कमियां हो सकती हैं। देखिए पहला दिया है कि द न्यूज आर करेक्ट। अब जानते हैं कि न्यूज एक उसका स्पेलिंग ही होता है वर्ड शब्द का, यानी डब्ल्यू एस। यहाँ पर यस करके आप आर नहीं लगा सकते, ये न्यूज हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होता है और न्यूज का स्पेलिंग भी तो न्यूज होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, द न्यूज इज करेक्ट होगा। और दूसरा दिया नेहा इज सीनियर देन मी। देखें कुछ वर्ड होते हैं सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, जहाँ आई ओ आर लगाया हो तो उसके बाद ये देन का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो नेहा इज सीनियर टू मी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ई वाला देखिए क्वेश्चन दिया कि गिव द साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर साइनोनिम शब्द लिखा है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। दिया है पहला वलियंट। वलियंट माने होता है वीर, वीर या साहसी, इसका बोल्ड लिख देंगे, करेजस लिख देंगे। सेवेज माने होता है जंगली या सभ्य, इसका आप साइनोनिम लिख देंगे विल्ड, डब्ल्यू आई एल टी। अब दूसरा क्वेश्चन यफ वाला दिया है, पचवें का यफ, गिव द एंटोनिम। यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रहा है। पैट्रियट माने होता है देशभक्त, तो ट्रेटर माने होता है देशद्रोही, टी आर ए आई टी ओ आर। होप माने होता है आशा या उम्मीद, इसका एंटोनिम विलोम शब्द क्या लिखेंगे, डिस्पेयर, डिस्पेयर, डी ई एस पी ए आई आर, डिस्पेयर माने हताशा या निराशा। देखें अगला क्वेश्चन जी वाला क्या पूछा, यूज द फॉलोइंग इडियम फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पर मुहावरे, लोकतिया और वाक्यांश दिए रहते हैं, इनका हम लोगों को वाक्य प्रयोग करना पड़ता है अपने से, अपने स्वयं के शब्दों में। तो पहला वाला दिया है ए बासम फ्रेंड। बासम फ्रेंड का मतलब होता है घनिष्ठ मित्र, पक्का मित्र, तो यू आर माई बासम फ्रेंड, यू आर माई अ बासम फ्रेंड, कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। पुट आउट, पुट आउट मतलब बुझाना होता है, बुझा देना। यू मस्ट पुट आउट द लाइट इन द डे टाइम, दिन के समय बुझा देना चाहिए तुम्हें बत्ती को। अगला दिया है देखिए यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स वर्ड। होमोफोन माने एक स्वर जैसे उच्चारण रहेंगे लेकिन उनका जो अर्थ होगा अलग अलग होगा, इसका इसका जो है ना यूज करना है, वाक्य प्रयोग करना होता है। देखिए क्या दिया गया है, कैरियर लिखा है। कैरियर माने होता है उद्देश्य या लक्ष्य, तो इसका वाक्य प्रयोग कोई भी वाक्य बना लीजिए, जैसे वी शुड फॉलो आवर कैरियर, माने हमें अपने लक्ष्य का अनुकरण करना चाहिए। और दूसरा जो कैरियर शब्द लिखा है, सी ए डबल आर आई ई आर, कैरियर माने वाहक होता है या भेजने वाला होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉस्किटोज आर द कैरियर ऑफ डिजीज, जो मच्छर होता है बीमारियों का वाहक होता है। अब अगला क्वेश्चन आई का दिया है, सब इंस्टीट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब कि यहाँ पर अनेक शब्दों के बारे में एक शब्द लिख। तो यहाँ पे पहला दिया कि वन हु गोज ऑन फूट, जो पैदल चलता है, एक व्यक्ति जो कि पैदल चलता है उसको पेडिस्ट्रियन बोला जाता है, पैदल चलने वाला, पेडिस्ट्रियन, पी ई डी एस टी आर आई ए एन। और दूसरा दिया है कि स्टोरी ऑफ अ पर्सन राइटन बाई हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपनी स्वयं की स्टोरी को लिखता हो तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ए यू टी यू बी आई ओ जी आर ए पी एच वाई। अब आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ से आठ नंबर का दिया गया है आपको, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। देखें ट्रांसलेशन आया हुआ है, रामकृष्ण परमहंस एक योगी थे, मतलब रामकृष्ण परमहंस वाज ए योगी, उनका बचपन का नाम गदाधर था, अर्थात हिज चाइल्डहुड नेम वाज गदाधर। आगे पूछ रहा था देखें कि उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ऊंची नहीं थी, माने ही वाज नॉट मच एजुकेटेड, किंतु जो बातें वह कह गए वे अनूठी है। Not educated, but whatever he said is unique. Unique means अनूठी है। आगे लिखा कि स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, यानी स्वामी विवेकानंद वाज हिज डिसिपल, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, तो हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र। आगे लिखा है कि रामकृष्ण परमहंस ने ही उन्हें विवेकानंद बनाया और वे विश्व विख्यात हुए, यानी रामकृष्ण परमहंस मेड हिम विवेकानंद एंड ही गेंड वर्ल्ड वाइड फेम, इस तरह से ट्रांसलेट करना है। अब सेक्शन डी देखिए, लिटरेचर, यहाँ से प्रोज, पोइट्री
और आपका सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट के क्वेश्चन रहेंगे। तो सत्तवां का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर का दिया है, दो में से कोई एक सेलेक्ट करना आपके अप्रोच से है। दिया है कि व्हाट डैमेज डिड वे वॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। ये आपके अप्रोच का जो सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई से है। और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डैमेज डिड वे वॉकर सफर एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर, माने कि जो वे वॉकर था, जो वह सीप थी, बोट थी, जब समुद्री सफ़र में वह जो कथाकार है जा रहा था, तो वहाँ पे उस बैड वेदर के दौरान, ख़राब मौसम के दौरान उसको क्या क्षति हुई, ये चीज़ पूछ रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर मिल जाएगा, आप जा करके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि जैसे ही जो वेहवाकर यानी कि जो सीप है उस समुद्र का सफ़र कर रहा था, तो समुद्र के सफ़र के दौरान बड़ी भयंकर भयंकर जो लहरें होती थी वेव होता था, काफ़ी दुगना ऊंचाई में आ करके उस बोट से, उस सीप से टकरा जाता है, जो वेव है, लहरें होती हैं, और फिर तहस नहस होता है, और सब जो पानी है उस बोट में अंदर चला आता है उस डेक पर, और उसमें जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो काफ़ी आहित होते हैं, जैसे तैसे बचते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ बैड वेदर द स्ट्रांग वेव ऑलमोस्ट ट्वाइस हाइट हीट द वेहवाकर को आकर के वह जो जोरदार लहर थी, वेव था, तरंग थी, टकरा जाती है। देन ट्रेमेंडस एक्सप्लोशन शुक द डेक एंड स्ट्रांग करेंट ऑफ वाटर बिगन टू इंटर इन द बोट। तो एक प्रवाह, पानी का जो जलधारा है उस बोट में, उस सीप में आने लगता है, और उसमें लगी तमाम वस्तुएं भी तितर बितर जाती हैं। ये क्वेश्चन है। इसके बाद बी वाला क्या दिया है कि गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टूट्स ममी, यानी आपका प्रोज का जो थर्ड चैप्टर है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज चैप्टर्स है, इसको भी हमने अपने चैनल पर पढ़ाया है। यानी यहाँ पर बच्चा रहा है टूट की जो शव है, उसका जो ममी है, उसकी खोज के बारे में बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टूट था उस अपने सशक्त फैमिली का, ये जो कि इजिप्ट में है, मिस्र में है, उस फैमिली का अंतिम किशोरावस्था शासक था, जो कि किशोरावस्था में ही मर गया था, और मरने पर उसके बारे में तमाम भ्रांतियाँ हैं कि उसकी जो मृत्यु है एक मर्डर है, और उसकी जो ममी था उसका खोज होने लगा। जो हाउवर्ड कार्टर थे उन्होंने 1922 में वहाँ से निकाला था, उस वक्त मौसम बहुत ख़राब हो गया था। इसके बाद उसका एक्सरे किया गया, एक्सरे के बाद सीटी स्कैन किया गया। इसका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर 8वां क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। यहाँ से 60 क्वेश्चन आपके प्रोज से पूछा गया है। 60 क्वेश्चन का पहला दिया है यहाँ पे कि हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। पहला जो चैप्टर है आपके प्रोज का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उस चैप्टर से दिया गया है कि ये जो दादी माँ थी और खुशवंत सिंह थे जो नरेटर यानी कथाकार खुशवंत सिंह, ये कैसे दोस्त हुए। तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमने बताया है कि जो कथाकार था उसकी जो ग्रैंड मदर है हमेशा उसे सही समय पर जगा दिया करती थी, उसको तैयार किया करती थी और भोजन भी दिया करती थी, साथ साथ उसको स्कूल पहुंचाया करती थी। इस तरह से दोस्ती बढ़ती गई। बी वाला क्वेश्चन दिया कि व्हाट हैपेंड टू द पेंटर एज ही एंटर्ड द केव। यह आपके प्रोज का जो फोर्थ चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द साउल आत्मा का भूतदृश्य का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द पेंटर, वह जो चित्रकारी था, चित्रकार था, जो कि चित्र बना रहा था वहाँ पर भित्तियों पर, उस बादशाह के दीवालों पर, तो वहाँ पर एक गुफा, जादुई गुफा कहें, उसमें जैसे ही प्रवेश किया तो उसके साथ क्या हुआ। तो उसमें आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, जाकर के आप चेक करें। वहाँ पर बताया गया कि व्हेन द पेंटर एंटर्ड इन द केव द एंट्रेंस डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम, जैसे ही उस गुफा में अंदर गया तो पीछे से दरवाज़ा क्या होता है, बंद हो जाता है। हिज पेंटिंग हैड वनिश्ड फ्रॉम वॉल, और उसका जो पेंटिंग चित्रकारिता था जो दीवालों पर अभी अभी बनाया था वह गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और वह जो कलाकार था फिर इस दुनिया में कभी दिखाई नहीं दिया। अब क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ से आपके पोइट्री से है, रीड द गिवन स्ट्रक्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको पोएम दिया गया है और नीचे लिखित कुछ प्रश्नों के जवाब भी देना है इसी पोएम से। सम 20-30 ईयर्स लेटर सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली, सी
वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। यह जो आपका पोएम है ये आपके फोटोग्राफ पोएम से है, पोइट्री का पहला जो पोएम है उसी से दिया गया है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, राइट द टाइटल ऑफ द एबोव पोएम। जो पहला पोएम है ये फोटोग्राफ से लिया गया है, शर्ली टुल्सन इसकी पोइटिस हैं, कवित्री हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द पास्ट फॉर द पोएट्स मदर, माने कि जो कवित्री हैं उनकी जो मदर हैं उनके लिए कौन सी बात अतीत बन गई है, पास्ट बन गई है। जब यह पोएम पढ़ेंगे तो वह समुद्री तट पर अपना उस समय जब जीवित थी तो किस प्रकार से छुट्टियां बिताने जाती थी, यही चीज़ द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, यही उसका उत्तर लिखेंगे। वह बिताई गई समुद्र तट पर जो छुट्टियां होती थी वह अतीत की बात बन गई है उनकी मदर के लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हू वेयर बेटी एंड डाली, बेटी और डाली पूछ रहा है इसमें कौन है। तो उस वक्त की बात है, बेटी और डाली वो कजिन्स थी उनके मदर का, जो कथाकार हैं जो इस पाठ की जो पोइटिस है उनके मदर की जो ये बेटी और डाली हैं उनका नाम था, जो एक दूसरे के साथ खेला करते थे पानी में। बेटी एंड डाली वेयर द कजिन्स ऑफ द पोइटिस मदर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10th यहाँ से पूछा है आपके सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट से जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, बट यहाँ पर जो 10वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया दिया गया है। ए फोटोग्राफ अब्लिक द लेबरनम टॉप, किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट कर लेना है, 4 नंबर का है, ये हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये आपके सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन दिया गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फार्म ऑफ कजिन मुराद, ए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, इसको हमने बताया है। वहाँ पर जो कजिन मुराद है वो नरेटर कथाकार जो अरम है उसका चचेरा भाई होता है, और उस वक्त सुबह सुबह सफ़ेद सुंदर घोड़े के साथ अरम के घर आया हुआ था, आओ आओ बैठो चलो हम लोग घोड़सवारी करते हैं, और पूरा जो परिवार है मुराद का काफ़ी बट ईमानदार फैमिली है। इस क्वेश्चन को आप, इसके आंसर को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, ये आपके सप्लीमेंट्री का जो 3rd चैप्टर है, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू रंगाजमैरी से दिया गया है। जो रंगप्पा उर्फ रंगा था उसमें क्या खासियत थी, तो वह एक ऐसा लड़का था जिसके पिताजी मात्र उस गांव से उसको पढ़ाने के लिए पहली दफ़ा बंगलौर भेजे थे, और जब पढ़ लिख करके इतने सालों के बाद आया था तो लोगों की भीड़ लग गई उसे देखने के लिए, और गांव की ही एक औरत, बूढ़ी औरत थी जो उसके सीने पर हाथ फेरती है बड़े ही प्यार से, दुलार से, और उसके गले में देखती है कि जो जनेऊ पहना था वह वैसा ही है जैसा उस दिन पहना था, मतलब अपनी वह धर्म और जाति को, संस्कृति को नहीं भूला है। इसके आंसर को आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। अब ये सप्लीमेंट्री का 60 क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए दिया कि हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, सोलो राइड माने घुड़सवारी। जो कथाकार अरम है इस चैप्टर में वह अपने उस फेयर, उस घुड़सवारी का किस प्रकार से जिक्र किया है, वर्णन किया गया है उसके द्वारा। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो नरेटर था, द नरेटर अरम सैट ऑन द बैक ऑफ द हार्स विथ फियर, डरते डरते उस घोड़े के पीठ पर चढ़ा, देन ही किक्ड इट, तब घोड़े को उसने लाते मारी उसको चलाने के लिए, द हार्स रीच्ड डायरेक्ट टू वाइन यार्ड, और वह सीधे वाइन यार्ड में लता में जाकर के पहुंचा, देन इरिगेशन डिच, तब वह सिंचाई नाली की तरफ गया, एंड विथ द रेस ही फेल डाउन हिम, बहुत ही तेज गति से जाते हुए अरम को नीचे गिरा दिया, बट ही कुड नॉट लर्न टू राइड लाइक मुराद, लेकिन फिर जो अरम था मुराद की तरह घुड़सवारी नहीं सीख पाया। और अगला क्वेश्चन दिया कि हाउ डिड रिएक्ट व्हेन द नरेटर सेड आई एम मिसेस यस डॉटर। तो यह जो चैप्टर 2nd है आपके सप्लीमेंट्री का 2रा, द एड्रेस, उसमें
जो मार्ग मिनको हैं वह अपने मदर के बताई गई पता पर उस गली में मकान 46 मार्कोनी स्ट्रीट उस लेडीज़ के पास पहुंचती हैं जिसका नाम मिसेस डार्लिंग था। और प्रूफ के रूप में वह जो मार्ग मिनको हैं बताती हैं कि देखिए मैं श्रीमती यश की पुत्री हूं, आपसे मिलने आई हूं, मेरी मदर ने आपका पता बताई है और मैं उस जमाने में विश्व युद्ध के पहले जो मेरी वस्तुएँ तमाम यहाँ पर आपके घर में सुरक्षित हैं उनको मैं अपने आँखों से देखना चाहती हूँ। तब उस वक्त जो श्रीमती डार्लिंग थी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, तो श्रीमती जो डार्लिंग है उसको अनदेखा कर देती हैं, दरवाजे को बंद कर लेती हैं, ऐसा लगो जैसे मानो उसको न पहचानती हों। तो मिसेस डार्लिंग हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दाउ सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, यानी दरवाजे को इस तरह से बंद कर लेती है अपने हाथ को रख करके जैसे उसको खोलने से रोक रही हो। एंड हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसके चेहरे पर, श्रीमती डार्लिंग के चेहरे पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे पहचानती ही ना हो। सो थैंक्स।